यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नेवे उलट दी जाएगी। कुश, पूत, लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बांधे हुए लोग, देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ्य पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे, और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख, वह दिन आता है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़भाड़ को नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत, जो सब जातियों में भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे, और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा, और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा, और नो को दंड दूंगा, और सिन, जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, और नो की भीड़भाड़ का अंत कर डालूंगा, और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा। सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा, और नोप में विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पिवेशेत के जवान तलवार से गिरेंगे, और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपनेस में तोड़ूंगा, तब उनमें दिन को अंधेरा होगा, और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नाश हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। सो प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं, और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा, और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा, और देश देश में छितराऊंगा, और
मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके सामने ऐसा कहराएगा जैसा मरनहार घायल कराहता है। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह अपने मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।